हेलो गाइस, सच कहा किसी ने, भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी यही करने वाली है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कहने जा रही हूँ। एक कहानी सुनाती हूँ, सारी बात बहुत आसान हो जाएगी। एक दिन एक व्यक्ति अपने घर से निकला शहर जाने के लिए और जीवन में कुछ बनने के लिए। वो थोड़ी ही दूर गया था तो उसको एक नदी मिली। नदी बहुत गहरी भी थी और पानी का बहाव बहुत तेज था। उसे तैरना तो आता था, लेकिन पानी के बहाव को देखकर उसने सोचा कि ये मेरे लिए अभी नई नदी है, इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसने अपने आजू बाजू देखा, उसको बांस के सूखे लकड़े पड़े हुए दिखे। उसने उन लकड़ों को उठाया और सूखी घास से लेके उसको बांध के एक राफ्ट बनाया, बांस का जो वो बन जाता है जिससे तैर के पार कर लेते हैं। और दो बांस भी उसने लिए और वो उस राफ्ट के ऊपर बैठ के चप्पू चलाता हुआ उन बांसों से नदी को पार हो गया, दूसरी तरफ पहुंचा। उसने राफ्ट को रखा और वो आगे जाने लगा। तभी उसे लगा, इस राफ्ट ने इस मुसीबत में मेरी मदद की है, अगर कभी ऐसा हुआ, आगे भी जरूरत पड़ी, मैं इस राफ्ट को अपने साथ ले जाता हूँ, इसने मेरा अभी बहुत साथ दिया। अब वो राफ्ट को ले कैसे जाता, उसने उसे अपनी पीठ पे बांधा और आगे चल दिया। चूंकि वो चौड़ा था, उससे काफ़ी जगह लेके आगे चल रहा था, उसने उसे अपनी पीठ पे बांधा और वो आगे की तरफ चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल की तरफ पहुंचा। जंगल काफ़ी घना था और उसके पेड़ जो थे वो इतने पास पास थे कि उन दो पेड़ों के माध्यम से सिर्फ एक व्यक्ति ही गुजर सकता था और बाकी उसके साथ कुछ नहीं। उसने कई जगह से निकलने का प्रयास किया, लेकिन वो राफ्ट जो था, जो उसके पीछे पीठ पे बंधा हुआ था, वो उसके लिए बाधा उसे आगे जाने से रोक रहा था। उसने कहा क्या किया जाए, कैसे जाया जाए। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने देखा कि दिन ढलने वाला है और अगर अब मैंने ये राफ्ट को लेके आगे जाने का प्रयास किया तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, और अगर इस जंगल में रात हो गई तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जंगली जानवर आएंगे, या तो मुझे खा लेंगे, मुझे शिकार बना लेंगे और मैं भटक जाऊंगा। उसने राफ्ट को अपनी पीठ से उतारा, वहीं रखा और घने जंगल रात होने के पहले वो जंगल से पेड़ों के बीच से पार करता हुआ आगे बढ़ गया। कहानी बहुत कुछ कह गई। जब भी हम जीवन में अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत सी बाधाएं, बहुत सी ऐसी मान्यताएं, बहुत से ऐसे लोग, ना जाने क्या क्या चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक लेती हैं। अगर हम सब कुछ एक साथ लेके चलना चाहें तो शायद हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है छोड़ना सीखिए। वो व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो रीति रिवाज, परंपराएं, वो सारी मान्यताएं, वो सब कुछ जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं हमारी मार्ग में बाधा बनेंगे, सबसे वो चीज लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातों को जब हम पीछे छोड़ेंगे तब जाके हम कहीं लाइफ में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। आप सभी से मेरा यही कहना है, जीवन में अपने लक्ष्य को पहचानिए और वो सारी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अगर हम उन्हें वहीं छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, तो आप देखेंगे जीवन में एक दिन आप बहुत आगे बढ़ के ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। फिर आपसे एक बार यही कहूंगी, करिए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग अनुसरण करें आपके जैसा। आप बन गए तो बहुतों के लिए रास्ता आगे खुल जाएगा। बस जीवन में इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई विचार के साथ, एक नई कहानी के साथ। मैं नीला।